दोस्तों इंडिया में रैपर्स तो कई सारे हैं, लेकिन डिवाइन की यूनिक लुक और रैपिंग स्टाइल बाकी रैपर्स से अलग देखने को मिलती है। डिवाइन की रैप सॉन्ग अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में सुनी जाती है। इनकी पर्सनालिटी और रैपिंग स्टाइल से पब्लिक इनकी दीवानी है। आज की इस वीडियो में हम डिवाइन की पर्सनल लाइफ, बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल पर नज़र डालेंगे और साथ ही डिवाइन की ज़िंदगी के सफ़र के कुछ अहम बातें आपको बताएंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और आखिर तक देखना। अगर आप डिवाइन के फैन हैं इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि डिवाइन का रियल नेम डिवाइन नहीं बल्कि विवान फर्नांडिस है और इनका निक नेम डिवाइन है। डिवाइन 2 अक्टूबर 1990 को मुंबई अंधेरी में पैदा हुए। 2023 के हिसाब से अब इनकी उम्र 32 साल है। प्रोफेशन से डिवाइन रेपर और सॉन्ग राइटर है। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एसटी जॉन द एंजलिस्ट हाई स्कूल अंधेरी मुंबई से हासिल की। कॉलेज की बात करें तो इन्होंने आरडी नेशनल कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की। करियर की बात करें तो डिवाइन एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और डिवाइन की परवरिश गुर्बत में हुई। दोस्तों डिवाइन जब 10 से 11 साल के थे इनके फादर अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए और डिवाइन की मदर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काम करने लगी। बाद में अच्छे इनकम के लिए कतर चली गई और वहां काम करने लगी। डिवाइन और इनका बड़ा भाई अपनी दादी के साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद डिवाइन का बड़ा भाई भी काम के लिए कतर चला गया। दोस्तों डिवाइन ने अपनी म्यूजिक करियर का आगाज 2010 में किया। डिवाइन 11वीं क्लास में थे जब इनके दोस्त ने 50 सेंट का म्यूजिक एल्बम गेट रिच और ड्राई ट्रेन टी शर्ट पहना और इसी दोस्त ने डिवाइन को 50 सेंट और एमिनेम के सॉन्ग की सीडी तोहफे में दी थी। दोस्तों स्कूल से वापस आने के बाद डिवाइन रोज 50 सेंट और एमिनेम की सॉन्ग सुनता था जिससे इनकी दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी। दोस्तों डिवाइन शुरू में इंग्लिश जबान में रैपिंग करता था, बाद में इन्होंने हिंदी में रैपिंग करना शुरू किया। साल 2013 में इन्होंने ये मेरा बॉम्बे यूट्यूब पे अपना पहला सॉन्ग अपलोड किया। दोस्तों डिवाइन ने और भी कई सारे सॉन्ग्स यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के नाम आपके साथ शेयर करता हूँ। 2017 में वन साइड, ये सॉन्ग काफ़ी हिट हुआ और डिवाइन की फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ने लगी। 2018 में काम 25, 2020 में मिर्ची सॉन्ग जो कि सबसे ज़्यादा सुपर हिट हुआ। दोस्तों जोया अख्तर डिवाइन की ज़िंदगी की कहानी से इंस्पायर होकर डिवाइन पर फिल्म बनाने का फैसला किया। 2019 में रिलीज़ होने वाली फिल्म गली बॉय डिवाइन की ज़िंदगी पर बनाई गई है। इस फिल्म में डिवाइन के किरदार को रणवीर सिंह ने प्ले किया है। दोस्तों फैमिली की बात करें तो इनके फादर, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि इनको बचपन में छोड़कर चले गए और इनके फादर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं, और इनकी मदर जिनकी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डिवाइन का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम एंटोनी फर्नांडिस है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो डिवाइन अनमेरिड है और गर्लफ्रेंड के बारे में कोई मालूमात नहीं। हाउस की बात करें तो डिवाइन मुंबई महाराष्ट्र में रहता है। मुंबई महाराष्ट्र में इनका एक बड़ा खूबसूरत घर है। इनकम की बात करें तो डिवाइन की ज़्यादातर इनकम सोशल मीडिया से आती है। दोस्तों डिवाइन यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म से काफ़ी अच्छी इनकम कमा लेते हैं। इनकी मंथली इनकम 50 से 60 लाख के करीब है। नेटवर्थ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनकी टोटल मालियत 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स है जो इंडियन रुपीज़ में 25 करोड़ के करीब बनते हैं। दोस्तों ये थी डिवाइन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना।